हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। सो अपन ने डीसी मशीन के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पूरा बेसिक्स देख लिया, उसके पार्ट्स देख लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर देख ली, एक्चुअल में रियल में कैसे होता है अंदर से। मैंने आपको रियल डीसी मशीन दिखाई उसके अंदर की कैसी होती है एक्चुअली में, ठीक है। कम्यूटेटर सेक्शन क्या होता है अपना, या फिर मैं बोलूँ कि आर्मेचर कैसा होता है, आर्मेचर की कोर्स लैमिनेटेड होती है कैसे होती है, वो वाइंडिंग्स कैसे इस पर रैप रहती है, ठीक है। और अंदर की जो मैग्नेटिक थी और मैग्नेट थी अपनी, जो परमानेंट मैग्नेट थी, और उसके साथ साथ अपन ने देखा था वहाँ पे, क्या देखा था उसका जो योग था, ये पूरा पार्ट अपन ने वहाँ पे कवर किया था पिछले 4 लेक्चर्स में। आज अपन बात करने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन की, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ डीसी मशीन में करना क्या है अपने को, देखो। तो इसके अंदर ईएमएफ इक्वेशन मतलब जब मुझे क्या करना है, वोल्टेज जनरेट होनी है, ठीक है। वोल्टेज कहाँ जनरेट होगी, सीधी सी बात है, मेरी जो वोल्टेज जो जनरेट होने वाली है वो रोटर के अंदर होगी, ठीक है। रोटर मतलब आर्मेचर के अंदर होगी, रोटर बोले या अपन आर्मेचर बोले, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, वोल्टेज जनरेट होगी, ठीक है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं वोल्टेज के। इन केस अगर क्या है, मेरा जनरेटर है, तो क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी या जनरेटेड ईएमएफ होगी, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अगर सेकंड है, अगर मोटर है, तो क्या होगा इसके अंदर, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो किसमें थी, जनरेटर में थी, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ होगी, पर बनेगी कहाँ पे, इन आर्मेचर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो मान लो जो वोल्टेज अपनी ER जनरेट हुई, तो जनरेटर केस में क्या होगी, देखो ER इज इक्वल्स टू EG, EG मतलब देखो G में तो नीचे डाल दिया, मतलब ईएमएफ इन जनरेटर, ठीक है। और इसमें जो ER होगी वो EB के इक्वल हो जाएगी, बैक ईएमएफ B ले लिया। तो ये आपको याद रखना है कि जनरेटर में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, मोटर में बैक ईएमएफ होता है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही आता है, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो अपने को निकालने के लिए करना क्या, देखो अब देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होता है अपने पास, एक तो फ्लक्स होता है फाई, इसको बोलते हैं अपन फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, ठीक है। या मैं बोलूँ वेबर पर पोल, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो ये अपना फ्लक्स आ गया। पी नंबर ऑफ पोल होंगे, टोटल नंबर ऑफ पोल, ठीक है। जो डीसी मशीन थी वो किस टाइप से थी अपनी, जिसमें मान लो 4 पोल की मशीन थी, इस टाइप से अपनी, ठीक है। तो ये क्या था अपना एन एस, और इसके बीच में रोटर था, और इस रोटर के ऊपर क्या थे, रोटर कंडक्टर थे या आर्मेचर कंडक्टर थे, आर्मेचर वाइंडिंग थी इसके ऊपर अपनी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था मेरा, कि शाफ्ट के लिए था, और ये पूरी की पूरी मैग्नेट्स थी यहाँ पे, या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकती है या परमानेंट मैग्नेट हो सकती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स आ गए इसके अंदर अपनी, फ्लक्स कहाँ से होगा, एन से एस की तरफ फ्लो होता है, ठीक है, वो हो गया। थर्ड नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने लगे हुए आर्मेचर पे, ठीक है। इसको अपन जेड से डोनेट करते हैं, क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ऑन आर्मेचर, ठीक है। जेड आ गया, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है। एन इसकी स्पीड ले लेते हैं अपन, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये अपन किस में लेते हैं, RPS, या मैं बोलूँ कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड में लेते हैं, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है, ये याद करना है अपने को। ये अपन देखेंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। अब इसमें होता क्या एक्चुअली में, इसमें दो टाइप की वाइंडिंग होती है, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को समझते हैं अपन सबसे पहले। तो नंबर
पैरेलल पाथ क्या होता है एक्चुअली में, दो टाइप की वाइंडिंग होती है आर्मेचर के अंदर। कैसे? एक तो लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है, ठीक है। दो टाइप की वाइंडिंग, एक तो लैप वाइंडिंग एंड द सेकेंड वन इज वेव वाइंडिंग। ओके, देन जो लैप वाइंडिंग होती है इसके अंदर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो फिक्स होते हैं, कितने? दो, एक्चुअली नंबर ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। और वेव वाइंडिंग में फिक्स होते हैं, कितने होते हैं? अपने दो पैरेलल पाथ होते हैं। ओके, अब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे किस टाइप से, देखो। अब मान लो कोई वेव वाइंडिंग है, ठीक है, वेव वाइंडिंग लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन। तो वेव वाइंडिंग में जो ए है इसकी वैल्यू टू होती है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ टू होते हैं। अगर टू होते हैं तो मतलब इसके वेव वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ज़्यादा रहने वाली है। कैसे? मान लो एक टर्मिनल ये रहा, इसके बाद में दो पैरेलल पाथ होंगे, मतलब ऐसे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी इस टाइप से, या इंडक्टर मान लेते हैं जो सीरीज़ में जुड़ी होगी इस टाइप से, इनफाइनाइट टाइम मान लेते हैं, कितनी भी एन कॉइल्स ऐसे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यार सीरीज़ में सब कॉइल की वोल्टेज जुड़ती जा रही है, मतलब हाई वोल्टेज की कॉइल है ये, ठीक है। हाई वोल्टेज है, करंट कम है बट वोल्टेज हाई है। इन द वे वाइंडिंग द पैरेलल पाथ, देखो एक तो ये रहा पैरेलल पाथ और एक ये रहा पैरेलल पाथ, तो ये क्या है? अपनी वे वाइंडिंग है। वे वाइंडिंग में क्या होता है? वोल्टेज वैल्यू हाई रहती है, वोल्टेज हाई करंट लो रहता है, ठीक है। सिमिलरली जो लैप वाइंडिंग होती है अपनी, लैप वाली में क्या होता है? अब मान लो मेरे पास है चार पोल की मशीन, चार पोल का मतलब है चार पैरेलल पाथ होंगे, क्योंकि लैप वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू पी, नंबर ऑफ पोल के इक्वल होंगे पैरेलल पाथ। याद करने का तरीका है, लैप का जो पी आ रहा है उसी के इतने होता है, ठीक है। लैप में जो पी आ रहा है मतलब नंबर ऑफ पोल के इक्वल होगी, ठीक है, पैरेलल पाथ के। तो पैरेलल पाथ अगर इतने होंगे तो मान लो दो कॉइल थी सीरीज में, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ चार हो जाएंगे, एक कॉइल दो कॉइल, एक कॉइल दो कॉइल, फिर यहाँ से इस टाइप से कॉइल्स क्या होंगे अपनी जुड़ी जाएंगी। तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ तो मुझे दिख रहे हैं कि चार है, देखो एक दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। एंड देखो इसमें जो करंट है वो आई वन मान लो, आई टू है, आई थ्री है और आई फोर है, बट वोल्टेज कम है करंट ज़्यादा है, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग अपन यूज़ करते हैं, लैप वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं? अगर मुझे वोल्टेज की वैल्यू तो लो रखनी है बट करंट हाई चाहिए, ठीक है, इसलिए अपन लैप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो ये होगी अपनी लैप और वेव वाइंडिंग। मतलब ए क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, और जो कॉइल्स होती है वो सीरीज़ में कनेक्टेड रहती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो ईएमएफ इक्वेशन थी, करना क्या है अपने को, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का, ठीक है। तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, ठीक है, उसको मैं क्या करूँ, टोटल जो कंडक्टर है उसको ए से डिवाइड कर दूँ, तो ईच पैरेलल पाथ के अंदर नंबर ऑफ कंडक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो जेड अपॉन ए आने वाला है मेरा वो क्या होगा, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर इन सीरीज विद ईच पैरेलल पाथ। कैसे? देखो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आठ है, ठीक है, दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने? चार, चार से डिवाइड किया आठ को, दो, दो मतलब एक पैरेलल पाथ में दो कंडक्टर आ रहे हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जेड बाई ए नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इन सीरीज विद पैरेलल पाथ, ईच मतलब ईच पैरेलल पाथ में कितने, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर आ रहे हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर, वही अपन ने देख लिया। अब क्या हो रहा है, जो जनरेटेड ईएमएफ होती है अपनी ई आर पर कंडक्टर, ठीक है, वो क्या होगी, ई आर। अब देखो ई आर कैसे निकलेगा अपना, एक तो फ्लक्स की कटिंग कितनी हुई है पर पोल पे, वो अपॉन टाइम कितना लिया उसने, वही वाली चीज़ तो होती है, ठीक है। अगर वो वाली चीज़ होगी तो अब देखो फ्लक्स कटिंग, देखो पहली बात तो है अपने जो फ्लक्स
कट पर रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अगर अब मान टाइम टेकन देखो, फ्लक्स पर कटिंग कितना है, देखो टोटल फ्लक्स कितना है पहले बात तो मेरे पास। अगर एक पोल से फाई आ रहा है तो चार पोल से कितना आएगा, चार फाई, या मैं बोलूँ पी फाई फ्लक्स होगा टोटल। ठीक है, तो पी फाई फ्लक्स ले लिया। मैं कह रहा हूँ कि देखो 60 सेकेंड में एक चक्कर पूरा होता है, नहीं 60 सेकेंड में मान लो एन चक्कर पूरे होते हैं, तो एक चक्कर कितने पूरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मिनट उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पे। अगर एन रेवोल्यूशन एक सेकेंड में पूरे हो रहे हैं, तो एक सेकेंड में एक जो रेवोल्यूशन वो कितने सेकेंड में पूरा होगा, 1/n से। ठीक है, यही तो होगा, एन रेवोल्यूशन एक सेकेंड में पूरे हो रहे हैं, तो एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा होगा, 1/n। ठीक है, 1/n से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया, एन बी फाई। ठीक है, ये आ गया अपना जनरेटेड वोल्टेज पर कंडक्टर है, ये पर कंडक्टर। अब मुझे टोटल में निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, टोटल वोल्टेज निकालना है। ठीक है, टोटल जनरेटेड वोल्टेज, तो देखते हैं उसके लिए क्या करना है अपने को। तो देखो यार, टोटल जनरेटेड वोल्टेज, टोटल जनरेटेड वोल्टेज, तो जेड बाई ए से मल्टीप्लाई कर दूँ एन पी फाई को, तो मेरा टोटल जनरेटेड वोल्टेज आ जाएगा। कैसे, देखो एन पी फाई ये क्या है, किसमें कंडक्ट, मतलब एक कंडक्टर के अंदर है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, जेड अपॉन ए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ई आर जनरेटेड वोल्टेज आ गया। अब देखो एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बाई 60 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को आर पी एम में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो यार, तो 60 एन बाई 60 कर लेते हैं, स्मॉल एन बाई 60 हो जाएगा ये। ठीक है, एन पी फाई 60 जेड अपॉन ए, तो ये क्या आ गया मेरे पास, इतना वोल्ट आ गया जनरेटेड का। ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ, तो जो यहाँ पे एन की जो वैल्यू, अपनी जो यूनिट होगी वो आरपीएम में होगी, आरपीएम। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट के अकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे जो एन था वो रिवॉल्यूशन पर सेकंड के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे अपन जैसे 60 से डिवाइड किया तो रिवॉल्यूशन पर मिनट के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये मेरी क्या है, जनरेटेड ईएमएफ है। ठीक है, अगर मैं जनरेटर के केस में ले रहा हूँ तो मेरी क्या हो जाएगी, ई आर इज इक्वल टू ई जी हो जाएगा। अगर मैं मोटर के केस में ले रहा हूँ तो यही ई आर मेरा इज इक्वल टू ई बी हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको देखते जाना है और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। अपन ने देख लिया कि लैब वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यार अपन कि एक्साइटेशन कितने टाइप से दे सकते हैं अपन। ठीक है, मैथड्स ऑफ एक्साइटेशन, मेथड्स ऑफ एक्साइटेशन, अब देखो यार मेथड्स ऑफ एक्साइटेशन में क्या करना है। देखो दो टाइप की मोटर होती है, एक तो सेल्फ एक्साइटेड होती है, ठीक है, एक्साइटेशन होता है उसके अंदर, और सेकेंडरी होती है, कौन सी होती है, सेपरेटली एक्साइटेड होती है, सेपरेटली एक्साइटेशन होता है इसके अंदर। सिंपल सी बात है यार, देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको टीचर अगर क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो सेपरेटली एक्साइटेशन हो गया। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो सेल्फ एक्साइटेशन हो गया। ठीक है, खुद से पढ़ते नहीं हो मुझे पता है, सेपरेटली होता है सब लगभग सब में। ठीक है, अब देखो सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होगा अपना, सेपरेटली एक्साइटेड में मतलब बाहर से अपन एक्साइटेशन देंगे, खुद का अपन जो एक्साइटेशन है वो यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, इस चीज़ को समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो मोटर है ठीक है अपनी, अब ऐसे तो नहीं है कि मैं हर बार आपको ऐसे ही बना के दिखाऊं कि चार पोल की मोटर लेंगे अपन, इसके अंदर ये करेंगे, यहाँ पे एन बनेगा, यहाँ पे एस बनेगा, फिर यहाँ पे एन बनेगा, फिर यहाँ पे एस बनेगा, यहाँ पे रोटर होगा, यहाँ रोटर कंडक्टर होंगे, यहाँ पे बार बार ये तो करेंगे नहीं अपने। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं अपन, किसमें, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो रोटर वाली जो, रोटर के अंदर क्या होगा, देखो एक तो रोटर है, तो रोटर के अंदर रोटर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है,
रोटर रेजिस्टेंस होगा प्लस रोटर के ऊपर वाइंडिंग होगी तो रोटर का इंडक्टेंस भी होगा, प्लस रोटर के अंदर क्या हो रहा है या आर्मेचर के अंदर अपना क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो आर्मेचर ईएमएफ भी होगा, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो मोटर के एक्साइटेशन लगाना है। ठीक है, एक्साइटेशन की क्या होती है अपनी फील्ड वाइंडिंग होती है अलग से। ठीक है, ये वाली यहाँ पे जो वाइंडिंग्स होती है इस टाइप से, यहाँ पे जो वाइंडिंग होगी अपनी ये फील्ड वाइंडिंग होती है या स्टेटर वाइंडिंग होती है जो अपनी, वो स्टेटर वाइंडिंग क्या होती है इस आर्मेचर के पास में होती है इस टाइप से। तो ये क्या हो गया मेरा ए ए पॉइंट हो गया, ए डबल ए पॉइंट, ये एफ एफ डबल एफ पॉइंट हो गया। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है और ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इन केस ऑफ जनरेटर लें तो यहाँ पे ई जी हो जाएगा, अगर मोटर ले तो ई आर हो जाएगा। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई अपनी, इसका क्या होगा फील्ड रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, फील्ड का क्या होगा एक्चुअली रेजिस्टेंस होगा, ठीक है आर एस एच होगा इसका, इसका आर ए हो जाएगा। ठीक है, ओके एक्चुअली ये यहाँ पे होता नहीं, एक्चुअली ये अपन ने यहाँ पे कंसिडर कर ही लिया, आर एस एच हो गया, ये आर ए हो गया। ठीक है, ये क्या है मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, ये फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। याद रखना हमेशा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा आर्मेचर रेजिस्टेंस से बड़ा होगा अगर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड है तो ये मैंने ये डायग्राम जो बनाया है वो सेपरेटली एक्साइटेड है। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे सप्लाई दे दूँ इसको इन टर्मिनल्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर से एक्स्ट्रा बैटरी लगा के, ठीक है तो मेरी कौन सी बन गई सेपरेटली एक्साइटेड बन गई, मतलब मैंने जो फील्ड को एक्साइटेशन दिया वो मैंने बाहर से दे दिया तो ये बन गई मेरी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, जिसके अंदर क्या हो रहा है अपना आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, अगर मैं इसको इसकी जो शाफ्ट होगी यहाँ पे शाफ्ट होगी उसको मैं अगर टर्बाइन से घुमा रहा हूँ तो क्या होगा इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मोटर है तो फील्ड वाइंडिंग से इसको देंगे अपन, इसके अंदर फ्लक्स कटिंग होगी और क्या अपना मोटर रोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये तो होगी अपने पास सेपरेटली एक्साइटेड की। ठीक है, अब सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड एक्साइटेशन होगा जो, अगर सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होता है जैसे कि देखो यार ये वाली जो मेरा रोटर आर्मेचर जो वोल्टेज बना रहा है उसी को मैं क्या करूँ यूज़ करूँ एज ए फील्ड के लिए यूज़ करूँ तो मेरी सेल्फ एक्साइटेशन होगी। कैसे देखो, ये यहाँ पे आ गया अपना आर ए के लिए, ठीक है और यहाँ पे अपन ने ले लिए फील्ड वाइंडिंग आर एस एच के लिए, ये आर ए आ गया, यहाँ पे मेरी ई जी जनरेशन आ गई। तो ये क्या हो गया मेरा सेल्फ एक्साइटेशन हो गया। देखो जो ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है यहाँ पे, देखो सेल्फ एक्साइटेशन के लिए करना है, जो ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है वही वोल्टेज क्या हो रही है इसको मिल रही है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ प्लस माइनस है तो वो जो वोल्टेज यहाँ पे है ड्रॉप होने के बाद आ रहे के अंदर वही वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी, तो मेरा क्या हो रहा है सेल्फ एक्साइटेशन हो रहा है। ठीक है, फील्ड को मुझे एक्स्ट्रा से कहीं से सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो ये मेरा होता है सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि सीरीज एक्साइटेशन हो सकता है, ये तो क्या हो गया अपना शंट एक्साइटेशन हो गया। ठीक है, शंट में मैंने लगाया तो ये मेरा हो गया शंट एक्साइटेशन। अगर बात करूँ सीरीज की तो सीरीज़ में क्या होगा यही फाइंडिंग्स की सीरीज़ में आ जाएगी। ठीक है, सीरीज़ में ले क्या होगा देखो, जो मोटर है मेरी वो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है ये मेरा ए डबल ए ले लिया, इसके सीरीज़ में मुझे क्या करनी है ये वाइंडिंग लगा दो यार यहाँ पे। तो ये मेरी क्या होगी फील्ड वाइंडिंग होगी सीरीज के अंदर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है जो कि सीरीज मोटर के अंदर यूज़ होती है अपनी या सीरीज जनरेटर के अंदर यूज़ होती है। तो यहाँ पे जनरेटर वोल्टेज आ जाएगी प्लस माइनस यहाँ मिल जाएगा मोटर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, सीरीज के लिए होगी, अगर सीरीज शंट दोनों आ जाए तब देखो, अब देखो सीरीज शंट में भी दो टाइप के होते हैं अपने, ठीक है या तो लॉन्ग शंट हो जाए या शॉर्ट शंट हो जाए। कैसे लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में क्या होता है, तो शॉर्ट शंट वाले में अपने करना क्या है, पहली बात करते हैं अपन किसकी शॉर्ट शंट की।
सबसे पहले अपने को बनाना आर्मेचर, लो बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके सीरीज़ में एक वाइंडिंग लगानी है, सिमिलरली ये लगा दी और ये बन गया अपना क्या सीरीज़ मोटर बन गई। शॉर्ट शंट करना है, मतलब शंट में एक और वाइंडिंग लगा दो, तो ये मेरी की बन गई शॉर्ट शंट वाइंडिंग। शंट में भी आ गई, सीरीज में आ गई, शॉर्ट शंट वाइंडिंग प्लस माइनस। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज मेरे को यहाँ पर मिल जाएगी। अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो लॉन्ग में कुछ नहीं होगा, जो ये वाली वाइंडिंग है वो यहाँ से लेंगे अपन। ठीक है, और लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग शंट में, शॉर्ट शंट का मतलब एट अ टर्मिनल कहाँ से लिया अपन ने, आर्मेचर के टर्मिनल से ही ले ली। ठीक है, अब लॉन्ग शंट की बात करें, लॉन्ग शंट में सप्लाई कहाँ से लेंगे फील्ड शंट वाले के लिए, तो सबसे पहले आपने आर्मेचर बनाया। ठीक है, अब देखो सीरीज में वाइंडिंग आएगी इसके एक इस टाइप से। अब देखो अपन ने शॉर्ट वाले में क्या लिया था, यहीं से ले लिया था, मतलब आर्मेचर के पैरेलल में ही वाइंडिंग लगा दी थी, तो वो बन गया अपना शॉर्ट शंट। ठीक है, अगर मैं वही वाइंडिंग टर्मिनल से लूँ यहाँ से, तो मेरी बन जाएगी लॉन्ग शंट वाइंडिंग। ये टर्मिनल वोल्टेज आएगी VT यहाँ पे मेरी। ठीक है, तो ये बन गया अपना लॉन्ग शंट का लिए एक्साइटेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना लॉन्ग शंट कनेक्शन। ओके गाइस, एंड जो क्या होता है अपना टॉर्क, तो मतलब DC मशीन में जो टॉर्क इक्वेशन है सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, एक तो अपने नई इक्वेशन पढ़ी कौन सी, ER इज इक्वल टू NP560Z/A। ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। एक इक्वेशन और आती है किसकी, टॉर्क इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन जो है वो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है इस टाइम में। कौन सी है, अपन जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन देखो क्या होती है, सबसे पहले करना क्या है, जो पावर होती है अपनी एक्चुअल पावर क्या होती है, PA इज इक्वल टू EA जनरेटेड EMF इंटू IA। ठीक है, ये तो एक्चुअल पावर होगी। अगर मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, टॉर्क वाली में, तो क्या करूँगा मैं, जो मेरा PA होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में रिलेशन क्या होता है पावर के बीच में, तो पावर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टॉर्क, ओमेगा एंगुलर रोटेशन आ गया इंटू टॉर्क आ गया, यही मेरी क्या होती है एक्चुअल पावर होती है किस टर्म में, अगर मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रिलेशन देखूँ तो। ठीक है, तो मैं ये PA की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे को टॉर्क इक्वेशन क्या मिली, EA IA अपॉन ओमेगा एम, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू EA IA अपॉन 2πN/60। ठीक है, 2πF हो जाता है, N/60 लिख दिया अपन ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है अपन को कि EA की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ। ठीक है, तो EA की वैल्यू देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पे ER है, ठीक है, या इसी को अपन EA ही बोलते हैं। ठीक है, तो EA देखें तो NP560Z/A, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, पोल्स भी कांस्टेंट हो गए, बचा क्या मेरे पास, स्पीड और फाई। ठीक है, N/60 को मैं ओमेगा लिख दूं। ठीक है, ओमेगा एम एक आ गया फाई, बाकी बचा क्या के, सबको कांस्टेंट मान लिया, और ये मेरी वैल्यू होगी ई ए की। ये ई ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप करूँ, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मेरे पास क्या दिखने वाला है मुझे, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ओमेगा एम फाई के अपॉन ओमेगा एम इंटू आई ए, ओमेगा एम से ओमेगा एम कैंसिल, तो टॉर्क किसका इक्वल आ गया, आई ए फाई और के का इक्वल आ गया। ठीक है, या मैं बोलूँ कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स मतलब फील्ड करंट के इक्वल है। ठीक है, जैसे जैसे मैं फील्ड वाइंडिंग बढ़ाऊंगा तो उसके लिए मेरा क्या होगा, टॉर्क
टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। ये अपना यूज होगा जब अपन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन पढ़ेंगे तब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दो इक्वेशन यहाँ पर मेरे को मतलब दो अपन को यहाँ से रिलेशन मिल गए, ठीक है। और करना क्या आपने, देखो ये टॉर्क आ गया अपना इसके इक्वल में। अब देखो अगर मेरी मोटर क्या है, सेल्फ एक्साइटेड है, तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अगर मेरी सेपरेटली एक्साइटेड है तो सीधा क्या होता है, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, ठीक है। यह हमें परमानेंट मैग्नेट की बात करें, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, या अदर जो अनदर वाला एक्स होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, क्योंकि इसमें फ्लक्स कांस्टेंट रहता है हमेशा, वो चेंजेबल नहीं होता है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है। अगर मैंने परमानेंट मैग्नेट मान लो कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैंने एक बार डिज़ाइन कर दी एन और एस, तो कर दिए, इसको चेंज थोड़े कर सकता हूँ, इसकी फ्लक्स की स्ट्रेंथ को, ठीक है, जो है, तो ये मेरा क्या होगा, एक तो परमानेंट डिज़ाइन हो गया, तो इसके अंडर क्या होगा, जो मेरा फाई है वो भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचा क्या, ओनली आर्मेचर की करंट बची। तो परमानेंट पी एम, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, पी एम डीसी मोटर में क्या होगा, जो टॉर्क होगा मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होगा, ठीक है। तो ये थी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेट न्यूमेरिकल। अगर आपको दो इक्वेशन आती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे प्रीवियस ईयर गेट में जितने भी आए हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा वीडियोस में, ठीक है। तो ये था अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन और मेथड्स ऑफ एक्साइटेशन ऑफ डीसी मशीन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अपन जो वीडियो होगी उसके अंदर देखेंगे कि कितने टाइप्स की होती है मोटर, और उनका अपन एनालिटिक मतलब एनालिसिस करेंगे, क्या होता है मतलब उसके इक्वेशंस क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, उसकी टॉर्क कैसे होता है, वो सब अपन देखेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ ही साथ अपन देखेंगे उसकी क्या एप्लीकेशंस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ हमारे बने रहें, क्योंकि इससे यार मोटिवेशन मिलता है डेली वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।